गुजरात चुनावों के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को असला दे दिया है राजनीतिक हमले के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोलते हुए उन्हें 100 सिर वाला रावण बताया है। फिर से सुनिए, 100 सिर वाला रावण। दरअसल कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, और क्या कहा उन्होंने, कहा कि प्रधानमंत्री एमएलए के चुनाव में भी रहते हैं, पार्षद के चुनाव में भी अपना शक्ल दिखाते हैं, एमपी के चुनाव में तो चलो दिखाना ही पड़ता है, तो हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, जो काम उनको दिया गया है वो तो काम वो कर ही नहीं रहे हैं। तो क्या आप 100 सिर के रावण हैं? इस तरह से हमला बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। क्या यह हमला आपत्तिजनक है? इस पर मैं अपनी राय दूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है वो काम करो, वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉरपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी के बारे में भी एक आपत्तिजनक बयान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और रेणुका चौधरी हंसने लगती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटवार करते हुए कहते हैं कि इस तरह की हंसी तो मुझे रामानंद सागर के रामायण में सुनाई दी थी। अब आप जानते हैं दोस्तों कि पूरे रामायण में अगर महिला पात्रों की हम हंसी की बात करें तो हंसना दो ही पात्रों का फेमस बताया जाता है, एक ताड़का और दूसरी शूर्पनखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महिला सांसद के बारे में इस तरह से आपत्तिजनक बयान दिया था और बात वहां नहीं रुकी। आपको याद होगा उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लिए बगैर, वो कौन सी कांग्रेस की विधवा है, बात वहां पर भी नहीं रुकी। उन्होंने शशि थरूर की पत्नी जब वो जिंदा थी सुनंदा पुष्कर, उनके बारे में कहा था कि क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है। जर्सी काऊ जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी प्रधानमंत्री ने किया है। और जब जब प्रधानमंत्री ने इस तरह से महिलाओं का अपमान किया है, मैंने तब तब कहा है कि प्रधानमंत्री की पद की एक गरिमा होती है, एक राजनेता की अपने पद की एक गरिमा होती है और उस गरिमा को बनाए रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा दोस्तों कि संसद के अंदर किस तरह से रेणुका चौधरी के बारे में उस वक्त प्रधानमंत्री ने बयान दिया था, सुनिए। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। तो ये वो बयान था दोस्तों। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सभी गुजरातियों का अपमान है और ये कहा है कि गुजरात की जनता को अब सबक सिखाना चाहिए। रावण के क्या गुण थे वो भी संबित पात्रा गिना रहे हैं, सुनिए संबित क्या कह रहे हैं। अ लीडर हु इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लीडर टुडे अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। दिस इज एन इंसल्ट विच इज रब्ड इन टू एवरी गुजराती, यह गुजरात का अपमान है। बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गुजराती से हाथ जोड़ के अपील करती है कि आप सभी याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको रावण कहना, रावण का अर्थ होता है जो सत्य का अपहरण करता है,
रावण का अर्थ होता है जो पवित्रता का अपहरण करता है, रावण का अर्थ होता है जो पाप का साथ देता है, धर्म का साथ नहीं देता। प्रत्येक गुजराती से आज हम ये अपील करते हैं कि जिस पार्टी के मुखिया ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग गुजरात के स्वाभिमान के लिए, गुजरात के बेटे के लिए, गुजरात के सपूत के लिए किया है, प्रत्येक गुजराती उनके खिलाफ खड़े हो जाए। दोस्तों अब मैं अपनी राय बताता हूं। देखिए जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे वो तमाम बातें कह रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि भाई हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ल का इस्तेमाल करती है बीजेपी, एमएलए के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में, हर जगह प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये तक कहा कि भाई प्रधानमंत्री का जो काम है उस पर वो फोकस करे ना। मैंने अक्सर अपने कार्यक्रम में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों पर जितना जोर दिखाते हैं ना, उतना काम जो प्रधानमंत्री पद को दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखाते। मैंने इससे पहले कहा है कि जितना जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खुद के प्रचार पर लगाते हैं, देश के प्रचार पर नहीं लगाते हैं। मगर आपने गड़बड़ कहा कि जैसे ही आपने रावण शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि रावण शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे भारतीय धर्म या भारतीय मिथक का सबसे बड़ा खलनायक बताया जाता है। मैंने हमेशा माना है कि राजनीति में शब्दों के चयन पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मगर जैसे मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ये कहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है कि विपक्ष जो है वो अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है या वो शालीनता और गरिमा की तमाम मर्यादाओं को लांघ रही है। क्योंकि अगर राजनीति में, खासकर मॉडर्न डे राजनीति में, सबसे ज्यादा गरिमा को किसी ने लांघा है, मर्यादा को किसी ने लांघा है, तो वो भाजपा के नेताओं ने। उनके ढेरों बयान है दोस्तों, और मैंने इतने शोज उस पर किए हैं, मैंने आपके सामने वो मिसाल भी पेश की है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर चाहे आपका विपक्षी आपके बारे में जो मर्जी कहे, आपको उस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पूरा बयान है 90% बयान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब वो आखिरी में रावण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुद्दा पूरा पलट जाता है। हालांकि उन्होंने रावण शब्द का क्यों इस्तेमाल किया उसकी वो पूरी रूपरेखा बांधते हैं, उसकी वो पूरी जमीन तैयार करते हैं, मगर जैसे ही आप रावण शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी उसी शब्द को पकड़ के अब देखिए चुनावों में क्या करने वाली है। अब आप देखिएगा, आज जितना भी प्रचार बचा हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जोरों से रुदाली करने वाले हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी किसी रैली में कहें कि देखिए मुझे रावण बता रहे हैं। आपको याद होगा गुजरात के पिछले चुनावों में मुकाबला बराबरी का था, फिर मणिशंकर अय्यर आते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया, भाजपा ने उस मुद्दे को जोरों से भुनाया और सिर्फ 5 या 6 सीटों से कांग्रेस वो चुनाव हार गई थी। क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने तो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया, मगर भाजपा और उनके प्रचार तंत्र ने क्या किया, नीच शब्द को उठाया और कहा कि देखो मणिशंकर अय्यर जो हैं प्रधानमंत्री की जाति को नीच कह रहे हैं। इस तरह का दुष्प्रचार, इस तरह का झूठ उस वक्त बीजेपी ने कहा था, मगर हुआ क्या, उससे फायदा बीजेपी को मिल गया और वो चुनाव जीत गई सिर्फ 5 या 6 सीटों के अंतर से। खैर इस बार तो मेरे ख्याल से उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर नहीं रही है, या अगर मेहनत कर भी रही है तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब यह देखना है कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और खुद प्रधानमंत्री चुनावों में किस तरह से भुनाते हैं, क्योंकि अभी एक चरण का मतदान और उसका प्रचार बाकी है। जब तक मेरा यह कार्यक्रम आएगा तब तक पहले चरण का जो मतदान है उसका प्रचार खत्म हो चुका होगा, मगर जैसे मैंने कहा ना पिक्चर अभी बाकी है। मगर जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस बात पर गौर कीजिएगा। मेरा सवाल आपसे यह है, आपको याद होगा एक फिल्म आदिपुरुष आने वाली है, आदिपुरुष को लेकर जिस तरह से सैफ अली खान रावण का किरदार निभा रहे हैं, भाजपा उसके समर्थक और उनके प्रचार तंत्र ने कहा था कि सैफ अली खान ने रावण की बेइज्जती की। अब जब कांग्रेस प्रधानमंत्री को रावण बता रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले तो ये लोग सड़कों पर उतर आए थे,
रावण की इज्जत के लिए, यह कहते हुए कि रावण की बेइज्जती की गई है। अब जब रावण की तुलना प्रधानमंत्री से की जा रही है, तब आप क्या कहेंगे? सोचिए सोचिए, क्या अब भी आप इसे प्रधानमंत्री की तौहीन मानते हैं? यह सवाल है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आप रावण की इज्जत बचाने के लिए सड़क पर उतर आए थे, अब आप क्या कहेंगे? बहरहाल, जाते जाते मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि मेरे इस कार्यक्रम को कम से कम अपने 5 दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, दोस्तों, या तो व्हाट्सएप के जरिए या SMS के जरिए, ताकि आप और हम मिलके गोदी मीडिया के झूठ के प्रचार प्रसार को नेस्तनाबूद कर सकें। मेरी बात सुनेंगे ना? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।